an analysis of monthly wages paid to the worker in two firms A and B belonging to the same industry gives the following result. ये फॉर्म ए है, ये फॉर्म बी है. नंबर ऑफ वर्कर्स इसमें 500 है, इसमें 600 है. एवरेज मंथली वेजेस इसका कितना 1860, इसका 1750. वेरियंस इसका 81 है, इसका कितना 100 है. द एवरेज मंथली वेजेस एंड वेरियंस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेजेस ऑफ ऑल द वर्कर्स इन द फॉर्म ए एंड बी. ए और बी दोनों के वर्कर्स अगर मिला लिए जाएँ तो टोटल वर्कर हो जाएंगे 600, 500, 1100. और फिर इनका क्या निकाला जाए, एवरेज निकाला जाए और वेरियंस निकाला जाए. ठीक है, यानी कि कुछ ऐसा हो जाए. अब एक नया टेबल बन जाएगा, ए बी होगा फर्म और बी बी, टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने जाएंगे 1100. अब इनका जो है मंथली एवरेज वो निकाला जाएगा, वेजेस और वेरिएंस निकाला जाएगा. तो इसे ऑप्शन देख लेते हैं इसमें एक बार. जो एवरेज, जो मंथली एवरेज है, मंथली वेजेस, एवरेज मंथली वेजेस है, इधर का 1860. देखो ये वाला तो हो ही नहीं सकता है ना, तो ये नहीं हो सकता. इवन बी वाला भी नहीं हो सकता क्योंकि 1750 भाई ये बराबर बराबर तो है नहीं ना, तो ये भी नहीं आएगा, ये भी कैंसिल हो गया. अब वेरिएंस की बात, देखो इसमें 1800 ये वैल्यू तो डिफरेंट है, जो एवरेज मंथली वेज है वो डिफरेंट है, इन दोनों से डिफरेंट है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये हो जाए. लेकिन वेरिएंस क्या हो गया, 81 आ गया, सेम आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों ही चीज़ें बदलेंगी. जो एवरेज मंथली वेज है वो भी बदलेगा और वेरियंस भी चेंज होगा. तो यहाँ पे एवरेज मंथली वेज जो है वो बदल रहा है लेकिन वेरिएंस चेंज नहीं हो रहा ना, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत है. इसमें तो क्या करेक्ट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, नन ऑफ दिस. इसमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है इस क्वेश्चन के लिए.